प्रथम पहल का न्यूज और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने प्रदेश में स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 1 फरवरी से स्कूल खोले जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की पहली डोज ले चुके छात्र ही स्कूल जा सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां शिक्षा विभाग ने प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल जो है वो खोले जाएंगे और शिक्षा विभाग ने 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की पहली डोज ले चुके छात्र ही स्कूल जा सकेंगे, तो वहीं सभी स्कूलों में कोरोना नियमों का भी पालन ना अनिवार्य होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां शिक्षा विभाग ने प्रदेश में स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने प्रदेश में स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 1 फरवरी से स्कूल खोले जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की पहली डोज ले चुके छात्र ही स्कूल जा सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां शिक्षा विभाग ने प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल जो है वो खोले जाएंगे और शिक्षा विभाग ने 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की पहली डोज ले चुके छात्र ही स्कूल जा सकेंगे, तो वहीं सभी स्कूलों में कोरोना नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां शिक्षा विभाग ने प्रदेश में स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।